Hello everybody, I am Nitika Arora, Assistant Professor, Computer Science from Shaheed Udham Singh Government College, Matak Majri, Indi. So, aaj ka hamara topic hai Procedural Programming, Object-Oriented Programming and Event-Driven Programming. Isse pehle hum kar chuke hai Introduction to Visual Basic. So, Visual Basic ke baare mein maine aapko uske features, history, versions, और विजुअल बेसिक को किस तरह से डाउनलोड करना है, उसका सेटअप कैसे इंस्टॉल करना है और कुछ बेसिक टर्म्स के जो हम विजुअल बेसिक में यूज करने वाले हैं वो बताएंगे। तो आज की हमारी वीडियो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर हम उसके बारे में बताएंगे कि उनके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है हमारे पास और उसके बाद इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो बेसिकली इन तीनों टर्म्स की जरूरत कहाँ पड़ रही है, देखिए अगर हम विजुअल बेसिक स्टडी कर रहे हैं तो ये तीनों टर्म्स ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं विजुअल बेसिक को स्टडी करने में। अगर आप कहेंगे कि विजुअल बेसिक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका आंसर भी हाँ है, अगर हम कह रहे हैं विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो भी हाँ है, अगर आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 तो ये भी आंसर हाँ है। बट इसमें से कौन सा टर्म कम्प्लीटली प्योरली जस्टिफाई करता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 को, ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से। सबसे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती क्या है, देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज सी, पास्कल, फोरट्रान एंड बेसिक। बेसिक के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बेसिक लैंग्वेज क्या है हमारे पास, कब डेवलप हुई थी और विजुअल बेसिक इससे किस तरह से डिराइव हुई। तो कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे यहाँ बता रखी है सी, पास्कल, फोरट्रान और बेसिक, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का बेसिकली पर्पज क्या होता है, देखिए द बेसिक आइडिया इज टू हैव अ प्रोग्राम स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स That implements a particular algorithm. That means आपने कुछ algorithm design किया और उसमें जो particular sequence of steps हैं, उसे हम बोलते हैं procedural term. तो procedural term में ऐसा होता है कि सब कुछ sequence में ही रहेगा। आपने 10 instruction दी है तो आप directly ऐसा नहीं है कि आप 7th में jump कर सकते हैं, no. You have to move on in that sequence of step. So first you have to complete 1 to 6. In order to get to the 7th line, this is a procedural programming. Okay, it generally focus on the idea that all the algorithm are executed with the function and the data that developer has access to and is able to change. Okay, generally procedural oriented programming में जो भी algorithm आपने design किया है, जिसमें term में आप program में काम कर रहे हैं, they will be executed in particular sequence of steps. The method of developing software, which also is called an application, revolves around keeping code as concise as possible. Okay, procedural में आपका code जितना concise है उतना better है. It also focuses on very specific and result to be achieved. आपको basically अपने result में focus करना है तो एक specific set of instruction prepare की जाती है procedural programming language में और उसी के according उसी मैनर में आपको मूव करना है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जनरली कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास प्रोसीजरल में, बेसिक, कोबोल, फोरट्रान, पास्कल, सी, ये हमारे पास आती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट क्रिएट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम दैट गाइड्स द एप्लीकेशन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शन है दे विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू एनी इंस्ट्रक्शन। It focus on processes. In procedural programming, data and function are stored in separate memory location. आपके प्रोग्राम में जो भी डाटा आप स्टोर कर रहे हैं, जो भी फंक्शन है, they all will be stored in a separate memory location. Proof क्या है object oriented programming? अभी procedural के बाद मैं आपको object oriented programming के बारे में बताऊंगी कि उसमें किस तरह से हमारा work करना है और object oriented programming के क्या features होते हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप देखिए जो डाटा और फंक्शन आर स्टोर्ड इन अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन। प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ मॉड्यूल्स व्हिच आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम।
इसमें हमारा प्रोग्राम किसमें डिवाइड है, मॉड्यूल्स में डिवाइड है, दैट कैन बी कोडेड एंड टेस्टेड सेपरेटली एंड देन असेंबल्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रोग्राम. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमारे पास सी है, फोरट्रान, पास्कल, जो भी लैंग्वेज अगर आपने इनमें सीखी हुई है. सपोज अगर आप सी की भी बात करते हैं तो सी में आपने देखा जनरली प्रोग्राम हमारा डिवाइड होता है पार्ट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं मॉड्यूल्स. तो मॉड्यूल्स को हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग कोडिंग भी हुई है, और बाद में इन मॉड्यूल्स को मिलिंग करके प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हैं. तो इसे कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मैं एक बार फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ. जनरली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर प्रोग्राम. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के टर्म अगर आपने सुनी है तो आपको पता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है. एक स्ट्रक्चर में आपको फॉलो करना है, फंक्शन है, डाटा है. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में स्टेप्स है और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन में आपने उसी ऑर्डर में ही मूव करना है. ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर. प्रोसीजर्स को मैं एक चीज और बताना चाहूंगी. The procedures are also known as routines, subroutines or functions. Generally, C language में भी अगर आपने देखा हो तो हम इनको routines, subroutines या function कुछ भी बोलते हैं. These are generally consist of series of computational steps to be carried out. तो आपको जो भी execution करनी है आपको उसी manner में move करना है. This is the procedure oriented programming language. देखिए अब इसमें एक example दे रखा है, ये main program है हमारे पास. Procedures are the sequence of imperative statements, statements like assignment, test, loop, invocations of sub-procedures. So, ye dekhiye main program divide kiya do function mein, function 1 and function 2. Function 1 is further divided into function 3 and function 4. Here function 2 is divided into function 5. Interlinking between the function is also established. Function 1 is linking to function 5, function 2 is linking to function 4. So this is a procedure oriented programming language. Your complete program is divided into the functions, or you can call it as a modules. And after all the modules are been coded and tested, they can be linked. This is called as a procedure oriented program. Procedure programming is also called as a top down design. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो टर्म जो डिजाइन मेथोडोलॉजी यूज हो रही है वो होती है टॉप डाउन. टॉप डाउन का कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, देखिए आप टॉप लेवल से स्टार्ट करते हैं. ओके, टॉप लेवल से आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना स्टार्ट किया, इसे हम प्रोसीजर कह रहे हैं. आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए. प्रॉब्लम को आपने टू पार्ट में डिवाइड किया, दैट आर कॉल्ड एज सब प्रॉब्लम्स और सब प्रोसीजर्स. अब आपने फर्दर प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम को और फर्दर डिवाइड किया. So, this process will continue until you will reach up to the last level, until then all the problems have been solved. जब तक अभी problem solve नहीं हो जाएगी, आप उस problem को divide करते जाएंगे further. Okay, that is called as a top-down approach. यानी कि आप top level से start करते हैं और आप bottom level तक जाने के लिए pyramid shape सी बन जाती है. तो आप इस शेप में आपका डाटा जो है, आपके जो फंक्शन है वो डिवाइड होते जा रहे हैं टिल यू रीच एट द कन्फाइंड लेवल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. आप कंप्लीट रिजल्ट जब तक आपको ऑब्टेन नहीं हो जाता, हम उस अप्रोच को यूज करते हैं. इसे कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम. तो ये कौन सी अप्रोच है हमारे पास, टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच है. देखिए जिस तरह से यहाँ पर कर रखा है इन्होंने, इसी डाटा मेंबर मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबल इन ऑर्डर टू मेक इट एक्सेसिबल बाय टू और मोर फंक्शन. ये एक एग्जांपल दे रखा है कि हमने सी में एक डाटा मेंबर को ग्लोबल डिक्लेयर किया सो दैट दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम उसे इजीली यूज कर सके. देखिए ग्लोबली का पर्पस क्या होता है, ग्लोबल डाटा मेंबर का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपने किसी वेरिएबल को अगर ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया सी में तो वो ओवरऑल प्रोग्राम एक्सेसिबल है. एक्सेसिबल तो होगा, उसके बाद एक फंक्शन के बाद वो दूसरे फंक्शन में भी यूज हो रहा है, थर्ड में भी यूज हो रहा है. तो किसी भी एक फंक्शन में अगर उसका चेंज हो जाता है तो वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है या ओवरऑल वेरिएबल पे इफेक्ट उसका है या नहीं है. तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हम किसमें डिसाइड कर रहे हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिसाइड कर रहे हैं. अब हमारे पास आता है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस में देखिए क्या है, इट इज रिलेटिव सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. बहुत सिंपल है लैंग्वेज, इम्प्लीमेंटेशन इजी है. नेक्स्ट, एबिलिटी टू रीयूज द सेम कोड एट डिफरेंट प्लेसेस इन प्रोग्राम विदाउट कॉपीइंग इट.
जब आप अपने प्रोग्राम को प्रोसीजर ओरिएंटेड में कर रहे हैं और उसमें कोड आपका मॉड्यूल्स में है, तो आपने मॉड्यूल्स में जो आपने कोडिंग किया उसे डिफरेंट प्लेसेस में यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। मॉड्यूल को आपने नेम दिया हुआ है, सेव किया, उस मॉड्यूल को लिंक कर सकते हैं कहीं पर। आप कोड को रीराइट रीयूज करने के लिए कॉपी करने से आपको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। एन इजियर वे टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्राम फ्लो, प्रोसीजर ओरिएंटेड में आप प्रोग्राम का फ्लो बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज टॉप डाउन अप्रोच है, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में ही मूव करना है, रैंडम ऑर्डर में आप कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। इसमें एबिलिटी टू बी स्ट्रॉन्गली मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर एंड नीड्स ओनली लेस मेमोरी। मेमोरी लेस क्यों रिक्वायर्ड है, देखिए जब हम यहाँ कह रहे हैं एबिलिटी टू रीड द सेम कोड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम विदाउट कॉपिंग इट, जब आप कॉपी करने की विदाउट कॉपिंग इट आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप अपने मॉड्यूल को डिफरेंट प्लेसेस में यूज कर पा रहे हैं, रीकोड करने की जरूरत ही नहीं है, तो मेमोरी ऑब्वियसली कम यूज होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, डाटा इज एक्सपोज टू ओल्ड प्रोग्राम, आपका डाटा क्या है पूरे प्रोग्राम में एक्सपोज है, कोई सिक्योरिटी नहीं है प्रोसीजर ओरिएंटेड में। जैसे मैंने अभी बताया आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया तो होल प्रोग्राम कैन एक्सेस दैट वेरिएबल, एक मॉड्यूल में अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे मॉड्यूल में क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, तो ये सारी सिक्योरिटी कंसर्न आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। डिफिकल्ट टू रिलेट विद रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कोई कंसर्न नहीं है, रियल वर्ल्ड में जो चीजें हमें दिखाई दे रही है हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते यहाँ पर। डिफिकल्ट टू क्रिएट न्यू डाटा टाइप्स टू रिड्यूस एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी लैंग्वेज को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसमें नए डाटा टाइप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर नहीं है, आप अपने डाटा टाइप को एक्सटेंड नहीं कर सकते, जो डाटा टाइप्स आपको प्रोवाइड है आप उन्हीं से ही वर्कआउट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ऑपरेशन ऑन डाटा रादर देन द डाटा, इसमें इम्पोर्टेंस किसमें है, डाटा के ऑपरेशन पे, आप डाटा को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना चाहते हैं आप डाटा के साथ, द मेजर एम्फसाइज इज ऑन दैट, डाटा में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में हमने देखा, काफी कुछ हमने सीख लिया, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में आती है, टॉप डाउन डिजाइन यूज हो रहे हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज हो रहे हैं हमारे पास, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द ऑपरेशन ऑन डाटा, नॉट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रिड्यूसेस एक्सटेंसिबिलिटी, द एडवांटेज इज दैट इट इज वेरी सिंपल एंड requires less memory. So this is all about the procedural programming. Procedural programming किस तरह से होती है। Next हमारे पास आती है object oriented programming. It is a certain process through which software can be developed. The goals of this methodology are to achieve software systems that are reliable, reusable, extensive. देखिए object oriented methodology में इस programming में जो भी software आपके design हो रहे हैं बेसिक फीचर्स क्या होंगे, दे विल बी रिलायबल, रीयूजेबल एंड एक्सटेंसिबल, सो मोर यूजफुल इन लॉन्ग रन। दिस अचीव्स इट्स गोल बाय द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखिए ऐसा मॉडल है विच इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में क्यों बात करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है दैट आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट में बोलते हैं ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें जो कुछ भी आपको दिखाई देगा ऑल विल बी इन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरैक्ट विद द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आप उसको ऑब्जेक्ट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें हमारे पास मेन टर्म आती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है देखिए उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिलेशनशिप्स कैसे बना सकते हैं हम ऑब्जेक्ट के बीच में, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है लाइक नेम, डेजिग्नेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अब ऑब्जेक्ट बनाया है डिजाइन हुआ है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जो भी आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मैनेजर ऑब्जेक्ट वुड हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन अ डेवलपर सिंस देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफरेंट होती है, ओके। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट्स,
ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है वो भी हमें डिसाइड करना है ऑब्जेक्ट्स में. ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उनके रिलेशनशिप क्या है अपने ऑब्जेक्ट के साथ. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासेस. क्लासेस क्या होती है, देखिए बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं ना तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर एक टर्म यूज होती है क्लासेस. क्लासेस बेसिकली क्या है, देखिए आपने क्लास डिजाइन की और ऑब्जेक्ट्स उसी के अंदर कोई भी क्लास आप डिजाइन करना चाहते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स उससे बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट क्लास कैटेगरी टू दिस ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू, पेंसिल्स इरेजर पेंस रूलर डिसाइड कीजिए. मैंने ऑब्जेक्ट दिया आपको पेंसिल इरेजर पेंस रूलर और शार्पनर, क्लास क्या होनी चाहिए इसकी. देखिए तो स्टेशनरी क्लास बन सकती है. इफ आई नेम इट एज अ स्टेशनरी, क्लास का नाम क्या बनाया मैंने स्टेशनरी, तो ये उसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे. ओके नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई कीजिए. बनानास एप्पल्स ऑरेंजेस पीचेस ग्रेप्स ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्लास क्या होनी चाहिए इसकी, कैटेगरी बनानी है आपको. क्लास का मतलब होता है कैटेगरी डिसाइड करनी है आपको, तो क्लास क्या होगी फ्रूट्स, ये उसके ऑब्जेक्ट्स. ओके इसी तरह से हम अपने क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन, क्लास यूजली रिप्रेजेंट अ नाउन. तो ये हमारे पास क्लासेस वर्सेस ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जांपल है. देखिए एक क्लास है हमारे पास जिसमें कंप्लीट कार्स है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग टाइप की कार्स. ये क्लास पर्सन है तो ये पर्सन के साथ ऑब्जेक्ट है एलिस बॉब और कैल. ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट्स है तो ये क्लास. तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी क्लास का नाम क्या है, क्लास क्या है, आपको रियल वर्ल्ड में क्या दिखाई दे रहा है, उसमें क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके. अब ऑब्जेक्ट डिसाइड हो गए तो ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको बताते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं. जनरली रिलेट कीजिए खुद से, अगर हम एक क्लास स्टूडेंट बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं. स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट डिसाइड कीजिए आप, कुछ सोचिए और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी आप डिसाइड कीजिए. ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. देखिए प्रोसीजरल हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हो गया, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और बताते हैं आपको. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी आती है, जावा सी प्लस प्लस सी शार्प पाइथन पीएचपी जावास्क्रिप्ट रूबी पर्ल. कुछ लैंग्वेजेस और भी हैं जो हमारे पास किसकी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों को अलग अलग कर देते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए प्रोसीजरल के लिए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. नेक्स्ट आ जाइए पीओपी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच इज यूज्ड. मैंने आपको पहले बताया इसमें कौन सी अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बॉटम अप अप्रोच यूज इन प्रोग्रामिंग, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. नेक्स्ट आता है हमारे पास टू एड न्यू डाटा एट फंक्शन इन पीओपी इज नॉट सो इजी. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बता चुकी हूँ मैं आपको, न्यू डाटा और फंक्शन एड करना इजी टास्क नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सी रिक्वायर्स ऑल द वेरिएबल्स टू बी डिफाइंड. ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड इजी वे. आप सी प्लस प्लस ले लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, या जावा अगर है, जावा या सी प्लस प्लस पीएचपी, इनमें आप न्यू डाटा और फंक्शंस कुछ भी इजीली ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सी प्लस प्लस अलाउज अ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एनीवेयर इन द स्कोप. आप सी प्लस प्लस की कोडिंग में देखें तो आप अपने वेरिएबल को कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं. तो सी में क्या है, आपको स्टार्टिंग में ही सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है पीओपी No access specifier are used. All the members are public. अब access specifier क्या होते हैं देखिए. Object oriented programming में हमारे पास ये access specifier है private, public and protected. इनके meaning अलग अलग हैं. देखिए private का meaning होता है जो चीज आपकी अपनी है, आप अपने तक ही उसे रखना चाहते हैं वो private है. Public means आप उसे public बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी data member आपका है, आप कोई भी variable है उसे public करना चाहते हैं तो आप उसे public declare कर सकते. प्रोटेक्टेड के लिए टर्म्स डिफरेंट है. प्रोटेक्टेड मीन्स आप कुछ यूज अपने पास रखना चाहते हैं, कुछ यूज दूसरों को भी देना, दैट मीन्स प्रोटेक्शन आप देना चाहते हैं. तो जनरल है पीओपी में कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, सारे मेंबर्स क्या है पब्लिक है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है हमारे पास, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है. आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं कि आप किसे प्राइवेट रखना चाहते हैं, किसे पब्लिक बनाना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है. This is just in a tabular form.
देखिए पीओपी में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ फंक्शन. प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. इन पीओपी डज नॉट हैव अ प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग सो इट इज लेस सिक्योर. पीओपी इज लेस सिक्योर. ओ प्रोवाइड्स डाटा हाइडिंग सो प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी. इसमें सिक्योरिटी है उसमें ज्यादा है. पीओपी के एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ. सी फोर्टा वी बी पास कर लो उसमें क्या है सी प्लस प्लस जावा वीबी डॉट नेट और सी शार्प डॉट नेट. देखिए वीबी और वीबी डॉट नेट हम वीबी के बारे में तो कर रहे हैं सर. तो वीबी और वीबी डॉट नेट में क्या फर्क है. देखिए वीबी 6.0 का मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि कब ये डेवलप हुई है और किसने डेवलप की है. वीबी डॉट नेट बेसिकली क्या है. वीबी डॉट नेट पे वीबी को जब ओवरटेक किया मतलब वीबी जो है मॉडिफाई वर्जन में आई तो इसको नाम वीबी डॉट नेट दे दिया गया. तो ये कुछ में इंट्रोड्यूस हो गया. जब तक ये वीबी है ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है. वीबी 6.0 की बात कर रहे हैं हम. अगर हम वीबी 6.0 से ऊपर जाते हैं तो उसके वर्जन जो आए हैं वीबी 8.0 या उसके बाद के वो वीबी डॉट नेट के फ्रेमवर्क में है. वो डॉट नेट फ्रेमवर्क में चले गए हैं. तो वो कंसेप्ट हमारा किसमें आ जाता है कुक में आ जाता है. बेसिकली अगर हम वीबी की भी बात करते हैं तो वीबी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. बट ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं उसके जो वीबी में नहीं थे. तो ये कुछ और डिफरेंसेस है. देखिए टॉप डाउन डिजाइन लिमिटेड कोड की यूज है. कॉम्प्लेक्स कोड है. ग्लोबल डाटा फोकस्ड. यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट फोकस डिजाइन है. कोड रीयूज भी आप कर सकते हैं. डिजाइन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा. डाटा कैसा है हमारा प्रोटेक्टिव है. तो यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो हमारे पास प्रोसीजरल ओरिएंटेड के और अगर देखना चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के में बहुत सारे डिफरेंस स्टडी कर लिए हैं. लाइक पीओपी में फंक्शंस में वर्क करना है ऑब्जेक्ट्स में करना है. पीओपी टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहा है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बॉटम अप अप्रोच है. यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है. यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड है. एडिंग न्यू डाटा इजी नहीं है और हुक्स में आप नया डाटा और फंक्शन इजिली ऐड कर सकते हैं. ओवरलोडिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है. ठीक है ओवरलोडिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है वो हुक्स में ही पॉसिबल है. यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसमें है. हमारी मेन इम्पोर्टेंस जो है वो ऑपरेशन ऑफ डाटा पे है. यहाँ इम्पोर्टेंस किसमें है मोर इम्पोर्टेंट है डाटा इम्पोर्टेंट. तो अगर आपने देखना हमारा डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है तो जस्ट गो फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके तो एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के सी फोरट्रान पास्कल दिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के एग्जांपल है सी प्लस प्लस जावा पाइथन और लैंग्वेजेस हमारे पास है जो हमारी इसमें वर्क करती है. ठीक है तो अब हमारे पास ये कुछ सिनेरियोस है एक बार देख लेते हैं. हमारे पास सिनेरियोस में क्या क्या है इसके ये कुछ सिनेरियो दे रखे हैं. देखिए वी नीड टू रिक्रिएट द एंटायर कोड रिपीटिंग द कोड फॉर कॉलम. ये बता रहा है कि अगर आपको कुछ बस फॉर्म में ऐड करना है और अगर आप प्रोसीजर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा कोड रीराइट करना पड़ेगा कलर इंजन साइज और ट्रांसमिशन टाइप के लिए. लेकिन हुक में आपने क्या करना है सिर्फ अपनी क्लास को एक्सटेंड कर लेना है फिर बस क्लास ओके और कुछ मेथड और नंबर ऑफ पैसेंजर ऐड करके आप अपना काम कर सकते हैं. ये हमारी लैंग्वेजेस होगी जो हमारी पीओपी और ओपी है. लास्ट हमारे पास आता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है. देखिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट के बाद हमारे पास आता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग इन विच द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इवेंट. अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंडेंट है इवेंट्स पे डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल अ यूजर एक्सटेंड सच एज अ माउस क्लिक की प्रेस और अ मैसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम और अनदर प्रोग्राम. माउस के क्लिक पे क्या होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन सा मैसेज है या कोई भी आप की प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से कुछ भी इवेंट आप ट्रिगर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. मतलब प्रोग्रामिंग तो इवेंट के थ्रू ही चलने वाली है. इवेंट होगा तो प्रोग्रामिंग में कुछ होगा अदरवाइज नहीं होगा कुछ. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड और हुक से डिफरेंट आती है हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इवेंट्स. यानी कि आपको अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सिर्फ इवेंट्स ही बता सकते हैं. इवेंट्स में क्या होने वाला है वो विजुअल बेसिक में हम देखेंगे कि इवेंट किस तरह से डिजाइन होने वाले हैं हमारे क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है आईडीई. विजुअल बेसिक हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आईडीई.
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आपने क्या करना है, अपने कोड के थ्रू जो आपका सीक्रेट कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल ही तो इवेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। अब जो भी कंट्रोल यूज करेंगे वीवी में, देखिए जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उन कंट्रोल के इवेंट्स के थ्रू ही हमने अपने टास्क को कंप्लीट करना है। तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज ले लें या हमारी विजुअल C++ लैंग्वेज या जावा को ले लें, ओके। ये जनरली लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और विजुअल लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है, जिसमें कौन सी है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यूज होने वाली है। तो इवेंट किस तरह से डिजाइन होंगे, इवेंट को कैसे यूज करना है, इवेंट के ट्रिगर होने के बाद इवेंट को हैंडल कैसे करना है, इवेंट को आपने डिजाइन कर लिया और इवेंट को हैंडल कैसे करना है, ये सब हम विजुअल प्रोग्रामिंग में अपने उस एनवायरमेंट में लर्न देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या है। देखिए इवेंट हैंडलर है, इवेंट हैंडलर बेसिकली क्या होता है, देखिए इवेंट हैंडलर में आप ये बता सकते हैं कि मेरे को इवेंट को हैंडल कैसे करना है। आपने इवेंट को बनाया और उसके बाद आप उसे हैंडल कैसे करने, हैंडलर बनाते हैं, हैंडलर भी इवेंट को हैंडल करने वाला, तो उसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलर, ओके। उसके बाद आता है ट्रिगर फंक्शन। ट्रिगर फंक्शन क्या करता है, ट्रिगर फंक्शन क्या करेगा, उस इवेंट को रिसीव कर लेगा, ओके। जिसमें इवेंट जब हैंडलर ने इवेंट थ्रू किया तो ट्रिगर फंक्शन क्या करेगा, रिट्रीव करेगा उस इवेंट को या उस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करेगा जिसने ट्रिगर किया है प्रोग्राम को, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ट्रिगर फंक्शन। ट्रिगर फंक्शन की हेल्प से हमारे इवेंट्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवेंट लूप्स क्या होते हैं, इवेंट लूप्स होते हैं जनरली, इवेंट लूप्स के अंदर हमारे पास क्या है कि जो भी इवेंट होने वाला है या होना है, इवेंट लूप उसको ट्रैक करता रहता है बार बार। वो क्या करेगा, मतलब ऐसा एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो वेट करेगा, दैट वेट्स फॉर अ डिस्पैच द इवेंट्स इन द प्रोग्राम। मतलब इवेंट होने वाला है या कैसे भी होगा, ये उसकी वेट करता है और जैसे इवेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिजाइन कर रहे हैं, इवेंट कैसा होगा, इवेंट के एग्जीक्यूट होने पर क्या होगा। सर्विस ओरिएंटेड है, मस्ट सुटेबल फॉर GUI, लाइक विजुअल बेसिक में हम काम करेंगे तो GUI एनवायरमेंट है, बहुत सुटेबल है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। सिंपलिसिटी ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग बहुत सिंपलिसिटी से डिजाइन होगी। टाइम ड्रिवन है, मतलब टाइम ड्रिवन, टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सब होने वाला है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में हमारे पास विजुअल बेसिक को जब हम सीखेंगे तो इवेंट्स के बारे में हम फिर स्टडी ना करें। ये हमारे पास कुछ इवेंट ड्रिवन के फीचर्स है। देखिए GUI है, each form contains various controls which allow user to interact with the program in different ways. Controls हैं, text box हैं, menus हैं, button हैं। तो आप किस तरह से event को trigger करना चाहते हैं, आपने event trigger किया, event सबसे पहले event emitter होता है, event start form, event loop cross check करता जा रहा है, event handler ने event को क्या किया, handle कर लेता है। तो किस तरह से हमारे पास ये कंट्रोल्स हैं जिनके बेसिस पे, जिनकी हेल्प से हम इवेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में है, मेन्यूज है या बटन्स है। हर कंट्रोल के अपने इवेंट्स होते हैं, लाइक फॉर्म के इवेंट दे रखे हैं, लोड है, की डाउन, ओके। आर पर्टिकुलर सुटेबल फॉर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यूज विम सिस्टम। जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, दे यूज द विम, मींस W विंडोज, I आइकन्स, M मेन्यूज, की पॉइंटर। यहाँ विम सिस्टम यूज होता है, ये सब यूज होने वाले हैं। दे हैव मेनी ऑप्शंस व्हिच द प्रोग्रामर कैन यूज टू प्रोवाइड द यूजर विद अल्टरनेटिव वेज टू इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम। मोस्ट कंट्रोल्स आर इंडिपेंडेंट, सो कोड कैन बी नेचुरली मॉड्यूलर। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखिए कौन कौन सी है, C#, Vue.NET, विजुअल C++। इट अलाउ अ प्रोग्रामर टू बिल्ड अप देयर प्रोग्राम ग्रेजुअली विद सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। Programmers can add and code one object at a time using simple construct. Pre-written code and drop-down list showing choice of possible command. Errors are highlighted and step through debugging. Code modules can be reused or imported from the library. Last, online and local help files are readily available. ये सब event-driven programming के features हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से हम इसे use कर सकते हैं।
So, this is all for the today's lecture. जिसमें मैंने आपको आज procedure oriented language, object oriented programming क्या है और event driven programming क्या है. तो visual basic की history, features के बारे में introduction के बाद आज हमने यहाँ तक आ गए हैं, जिसमें हमने procedure oriented language और हमने